जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन 14 नवंबर 2019 को हो गया। वे 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण एक महान शख्सियत थे। उनका दुनिया से चले जाना भारत के लिए एक क्षति है। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया उन्हें उनके कार्यों के लिए हमेशा याद रखेगी। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहा। एक वक्त ऐसा था जब वे स्पेस एजेंसी नासा में काम किया करते थे, वहीं एक वक्त ऐसा भी रहा जहां उनके कई साल गुमनामी में बीते। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण ने महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चुनौती दी थी। उनके बारे में मशहूर है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, तो कंप्यूटर ठीक होने के बाद उनका और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एकदम एक समान था। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण ने 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बने। वशिष्ठ नारायण ने नासा में भी काम किया, लेकिन वे साल 1971 में भारत लौट आए। आपको बता दें कि बार्केल यूनिवर्सिटी ने उन्हें जीनियसों का जीनियस कहा था। उन्होंने नासा में एक गणितज्ञ के रूप में काम किया, बाद में वहां पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने पहले आईआईटी कानपुर, बॉम्बे और फिर आईएसआई कोलकाता में नौकरी की। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के बसंतपुर गांव में 2 अप्रैल 1942 को हुआ था। वे पढ़ने में इतने तेज थे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के आगे गरीबी को कभी भी आड़े आने नहीं दिया। 1969 की बात है, ये वही साल था जब नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था। ये वही मिशन था जिसमें पहली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था। इस मिशन का एक मशहूर किस्सा है। जब अपोलो मिशन के दौरान कुछ देर के लिए कंप्यूटर बंद हो गए थे, उस वक्त गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण ने अपने गणित का इस्तेमाल कर बाकी वैज्ञानिकों की मदद की थी। बाद में जब कंप्यूटर्स चालू हुए, तब वशिष्ठ नारायण और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन बिल्कुल एक समान था। ये वो वक्त था जब वशिष्ठ नारायण के बारे में पूरे बिहार समेत भारत में चर्चा होने लगी। इसी दौरान उनके लिए कई रिश्ते आने लगे। वे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें हाँ करनी पड़ी। उनका विवाह साल 1973 में वंदना रानी सिंह के साथ हुआ था। शादी होने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद पत्नी को वशिष्ठ की मानसिक बीमारी के बारे में पता चला। साल 1974 में दोनों भारत लौट आए और वे आईआईटी कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करने लगे। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे और फिर आईएसआई कोलकाता में नौकरी की। इसी दौरान उनकी मानसिक हालत और भी बिगड़ने लगी। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि 1976 में उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से टूट गए। कुछ समय बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। यह बीमारी ऐसी है जिसमें मरीज वास्तविकता से नाता खो बैठता है। एक बार वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ रहने के लिए पुणे जा रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेन से गायब हो गए। उन्हें खूब तलाश किया गया, लेकिन वे नहीं मिले। 4 साल के बाद वे अपनी पूर्व पत्नी के गांव के पास मिले। तब से घर वालों ने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, और इसके बाद वे चर्चा में आ गए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यह खबर भी आई थी कि प्रकाश झा वशिष्ठ नारायण पर उनकी बायोपिक फिल्म बनाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।